टेंथ और क्लास टू का हिंदी सेकेंड पढ़ेंगे पार्ट 20 जिसका नाम है समानार्थक शब्दों का प्रयोग। बच्चों समानार्थक शब्दों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं हम जानेंगे। सबसे पहले चंद्रमा, चंद्रमा एक है पर इसके नाम समान है, इसके नाम बहुत सारे हैं। जिसको मैंने लिखा है शशि, शशि मीन्स भी होता है चंद्रमा, उसका समान अर्थ एक ही है। दूसरा है सूर्य, सूर्य को हम बहुत नामों से जानते हैं जिसको मैंने एक लिखा है रवि। सूर्य का अर्थ होता है रवि, यानी समानार्थक शब्दों का प्रयोग हम किताब के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे रात हो चुकी है, रात में क्या निकलता है चंद्रमा, चंद्रमा रात्रि में चमकता है तो हम इसको लिखेंगे शशि रात में चमकता है, यानी ये समानार्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो चंद्रमा रात्रि में चमकता है उसी का समान अर्थ हो गया शशि रात में चमकता है, यानी चंद्रमा भी रात में चमकता है। आगे देखेंगे सूर्य दिन में प्रकाश देता है, ये तो सबको पता है बच्चों दिन में कौन प्रकाश देता है सूर्य, तो उसका हम प्रयोग करेंगे रवि दिन में रोशनी देता है। तो हमारा दोनों शब्द का प्रयोग समानार्थक जो आप यहाँ पे लिखा है समानार्थक शब्दों का प्रयोग हमने इस तरह से किया। अब आगे देखिए बच्चों रेखांकित शब्दों के उचित समानार्थक शब्द कोष्टक से चुनकर वाक्य दोबारा लिखें। यहाँ देखिए बच्चों कोष्टक में बना हुआ है जानवर और गया, इस दोनों शब्द को लेकर हमें शब्द बनाना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है गाय एक उपयोगी पशु है, तो यहाँ लिखेंगे गया एक उपयोगी जानवर है। जी हाँ बच्चों गाय बहुत ही उपयोगी है, जिसे हमें दूध दही घी मक्खन सब हमें गाय के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा देखेंगे बच्चों इस घर का यह दरवाजा है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे वाक्य प्रयोग इस मकान का यह द्वार है। दरवाजा को हम द्वार भी कहते हैं, घर को गृह भी कहते हैं, मकान भी कहते हैं, और यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ है द्वार, अल्प विराम पूर्ण विराम नहीं है यहाँ पे कामा। तीसरा है मेरी आयु 10 वर्ष है, अब यहाँ मेरी आयु 10 वर्ष है, इसको समानार्थक शब्द में वाक्य प्रयोग करेंगे मेरी उम्र 10 साल है। तो आयु को उम्र भी कहते हैं, वर्ष को साल भी कहते हैं, तो ये समानार्थ में वाक्य प्रयोग हुआ। चौथा है किताब पढ़नी शुरू करो, कोष्टक में बच्चों यहाँ दिया है आरंभ, फिर कामा है पुस्तक, पुस्तक बंद। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों पुस्तक पढ़नी आरंभ करो यानी शुरू करो, उसका समानार्थक शब्द हो गया, और किताब को पुस्तक भी कहते हैं। पांचवा है यह बीमारी के कारण दुर्बल हो गया, कोष्टक में यहाँ क्या है बच्चों कमजोर कामा रोग। अब यहाँ देखेंगे हम लिखेंगे वह रोग के कारण कमजोर हो गया है। जी हाँ बच्चों बीमारी का हम प्रयोग किया रोग और दुर्बल का कमजोर, इस तरह से ये समानार्थक शब्द से वाक्य पूरा हुआ। छठा है संकट में मदद की जरूरत होती है, कोष्टक में है सहायता कामा मुसीबत। अब यहाँ हम वाक्य प्रयोग करेंगे मुसीबत में सहायता की जरूरत होती है। जी हाँ बच्चों मुसीबत में सबकी जरूरत होती है सहायता की, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए सबकी। सातवां है शेर के पैरों की आहट नहीं होती, अब यहाँ कोष्टक में क्या है पांव कमा सिंह, सिंह के पांव की आहट नहीं होती, आहट नहीं पड़ती। अब बच्चों देखिए इस तरह से हम समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया और आगे हम किताब में पढ़ेंगे। थैंक यू।